तो ये बन गया है 30 मिनट्स के बाद। मैंने ये दो तीन कमीजों में नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं लज़ानिया बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है, जो बाहर रेस्टोरेंट्स के लज़ानिया होते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये चीज़ आप लोगों को तब पता चलेगी जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करोगे, तो एक बार ट्राई करना मस्ट है, ठीक है। तो अब चलें किचन की तरफ चलते हैं। इसमें एक चम्मच ये गार्लिक जिंजर पेस्ट मिक्स कर दूं। इसके अंदर ना वो शान वाला गार्लिक जिंजर पेस्ट एक चम्मच डाल लिया प्याज के अंदर। और ये रेसिपी आपको ये बार सिखा रही है, वो बहुत अच्छा लज़ानिया बनाती है, तो ये उसकी रेसिपी मैं कंप्लीट ही दिखाऊंगी। हाँ, कंप्लीट ही बताऊंगी कि किस तरह से बनाया है। तो आई थिंक वैसे कि अभी तो ये कीमा बन रहा है जो लज़ानिया के अंदर होता है, बाकी उसको असेंबल करना ज़्यादा मुश्किल काम है। ये हिब्बा इसे आगे क्या करना है? अच्छा, एक बाउल के अंदर हिब्बा ने कैचअप डाली है और चिली कैचअप डाली है और थोड़ा टमाटो पेस्ट है। टमाटो पेस्ट है 2 चम्मच टमाटो पेस्ट है। और अब क्या डाल रही हो? नमक। अब नमक मिक्स कर लिए बस। फिर अब चिली फ्लेक्स यार ये ऊपर लिखा किसने हुआ है काली मिर्च? मैंने ये तो वैसे भी पता चल जाता कौन सी चीज़ क्या है। चिली फ्लेक्स काम है। इसी चम्मच से इतने सारे अच्छा एक चम्मच चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया। वो छोटी वाली चम्मच जो होती है जो मसालों वाली होती है वो वाली चम्मच। इसका प्याज थोड़ा थोड़ा नरम नरम हो गया, मतलब हिबा ब्राउन नहीं करना ना, बस ऐसे ही थोड़ा सा पकाना है ब्राउन होना। अभी ये आ गया है कीमा, कीमा ऐड कर दो उसमें। टमाटर भी जमा है क्या? हो गया है काफी आई थिंक, ध्यान से ज्यादा ना गिरते नीचे वाले में। एक चम्मच ब्लैक पेपर और इसको पूरी को कब इसमें डालूंगी? अभी ये सारे मसाले जो आपको मैंने चीज़ें बताई थी वो सारी बने इसमें डाल दी हैं। इसमें थी 2 केचप्स और चिली फ्लेक्स। 2 केचप्स नहीं, हाफ बाउल केचप ऑलमोस्ट हाफ नहीं, मेरा मतलब है वो एक चिली वाली और एक दूसरी। हाँ ज़्यादा केचप भी होगी, चिली केचप ऐसी थोड़ी, चिली केचप थोड़ी सी। और उसके बाद थोड़ा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक और काली मिर्च मिक्स करना है कि नहीं करना? ये लो करूँ भाई। ये खा लो कच्चा कीमा मसा केचप। अरे इतना अजीब सा लग रहा है अभी तो देखने में, मगर ये पक के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब जब ये थोड़ा पक जाएगा तब दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा तो ये कीमा बन गया है जो उस टाइम मैं छोड़ के गई थी, कच्चा अजीब सा ये बन गया है। अभी भी थोड़ा ज़्यादा रेडिश लग रहा है, मगर ये जब उसके अंदर लगता है ना लज़ानिया में इसी तरह का होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा तो एक पैन के अंदर बटर डाल के उसे चूल्हे पे रख लिया है। दो चम्मच इसमें मक्खन है। और अब इसके अंदर हिबा डाली थी मैदा वाइट सॉस बनाने के लिए, वो कीमा हमारा पीछे तैयार पड़ा हुआ है। अच्छा इसमें ये 1 चम्मच मैदा चला गया है, अब दूसरा चम्मच जा रहा है, 2nd स्पून मैदा। मैदा कितना प्यारा लग रहा है वाइट वाइट, थोड़ा सा और मैं मिक्स कर दूँ। मैं कर देती हूँ, तुम देख। अभी मैदे को मिक्स करी जा रही है। और इसे कब तक मिक्स करना है? जब तक हलवे जैसा ना हो जाए। अच्छा ठीक,
अच्छा तो अभी ना इसमें से ना कुछ टाइम के बाद तब इसके अंदर ना एक कप दूध डालना है, ऐसा आ जाएगा तब डालना है। ठीक, अच्छा ये इसमें अब दूध डाल दिया। हाँ चूल्हे पे भी गिर गया है दूध, हवा साफ कर लेंगे बाद में। आप इसको मिक्स करते रहना खड़े होके, इसमें मसाला डालना। अच्छा इस मिक्सचर के अंदर अब इतना सा नमक, थोड़ा सा नमक, ठीक है, बिल्कुल चुटकी चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और हाफ टेबल स्पून, हाफ स्पून। अच्छा जी हाफ स्पून, और ये क्या है? ये वाइट पेपर है। अच्छा वाइट पेपर है, ये सफ़ेद मिर्च नहीं, वाइट पेपर। अच्छा वाइट पेपर है, ये इसके अंदर डाला है, ये हाफ डाला है, इतना मैं इतना, ठीक है ना? ओके ये हाफ डाला है। हाँ बहुत, ये छोटी वाली चम्मच लज़ानिया शीट्स हैं। हाँ ये लज़ानिया शीट्स हैं बेक पार्लर की, और हिबा इसमें शीट्स डाल रही है। हिबा शीट्स इसमें हमारे उस बर्तन के लिहाज से डाल रही हो, हमारी डिश टोन थी उसके लिहाज से जिसमें हमें उसे बेक करना है। तो कितनी शीट्स डाल रही हो? 9 या 12 डाल दो। अच्छा ये हिबा की वाइट सॉस बन गई है जो हिबा उस टाइम बना रही थी, ठीक है। अब ये हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, पैन को ग्रीस करना है। हाँ इसको इसमें ऑयल लगाना है, इसके सारे कॉर्नर्स पे वाइट सॉस लगानी है पहले, सबसे नीचे सॉस। अच्छा और ये वो नूडल उबल चुके हैं जो आपको दिखा रही थी, अभी ऐसे लग रहा बेचारे जैसे कि कचरा पड़ा है, मगर इसमें लगेंगे ये और अच्छे लगेंगे। और ये पड़ा है कीमा। ओके अब सबसे पहले इसके अंदर वाइट सॉस लगानी है, ठीक है। वाइट सॉस लगाने अच्छे से पूरे पैन के अंदर या अपनी डिश आप लोगों की जो भी है उसके अंदर स्प्रेड कर लेनी है। उसके बाद एक एक करके ये लज़ानिया शीट उठानी है और डिश के अंदर लगानी है। इधर मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने उसे फास्ट फॉरवर्ड किया और फिर मैंने सोचा मैं इसको वॉइस ओवर कर देती हूँ। अच्छा फिर एक एक शीट आपको उसके ना असेंबल करनी है, और शीट्स लगाने के बाद ये करना है कि इसके ऊपर ना कीमा स्प्रेड करना शुरू करना है, और कीमे के अंदर भी थोड़ी थोड़ी वाइट सॉस मिक्स कर देनी है। फिर कीमे के अंदर वाइट सॉस मिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक चीज़ की लेयर डालनी है, मतलब जो हमारी फर्स्ट लेयर है चीज़ की वो डालनी है हमने। फर्स्ट लेयर चीज़ की हो जाएगी तो दोबारा से वो सारा प्रोसेस हमने रिपीट करना है, जो कि है कि आई थिंक पट्टी डालनी है, फिर वाइट सॉस डालनी है, फिर कीमा डालना है, फिर चीज़ डालनी है, इसी चीज़ को रिपीट करना है। अब ये आप लोगों पे खुद ही डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितनी लेयर्स में बनाना चाहते हो। तो आई थिंक हिबा तो तीन लेयर्स में बनाती है, तो इसलिए 9 शीट्स यूज़ होती हैं, 3 लेयर्स बनाती है, और ये बहुत है। ये डिश हम 4 मतलब 4 लोगों की सर्विंग थी ये डिश, तो और वो भी बहुत ज़्यादा, आप अगर फुल खाने के तौर पे खाओ तब तो। और अब आई थिंक अभी आधा घंटा कहीं नहीं है बेटा, सीधा। हाय अहमद, अच्छे लग रहे हो यार, नाइस क्लोथ्स, क्लियर लग रहा बेचारा। अच्छा अहमद ना आपको घर के कपड़ों में ना ये 2-3 कमीजों में नजर आएगा, एक ब्राउन क्लास शाबाश, लगा तो नहीं है। अब ये जा रहा है ओवन में, उसके लोहे को ना हाथ लगा देना, ठीक है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद ये बन जाएगा, है ना। तो अब मैं आप लोगों को आधे घंटे बाद दिखाती हूँ। तो ये बन गया है, 30 मिनट्स के बाद आएगा आप लज़ानिया। तो ये लज़ानिया रेडी हो गया और अब हम लोग ये खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसा बना। गाइस तो लज़ानिया बहुत अच्छा बना था, और आप लोगों ने लज़ानिया लाजमी ट्राई करना, मुझे बाद में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर देना, और एक कमेंट सेक्शन में कर देना। अब आप लोगों से मुलाकात होती है कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।